नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? और आपने कविता का पाठ किया? जी हाँ, बापू का सपना, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनको हम प्यार से बापू जी भी कहते हैं, उन्होंने सपना देखा था स्वच्छ भारत का, और इसके बारे में हमने जाना लास्ट क्लास में। ओके, एंड वी हैव गॉन विद द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन पार्ट। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी डूइंग वर्कशीट रीडिंग। और क्या है टॉपिक हमारा? बापू का सपना। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर लास्ट चैप्टर फॉर फर्स्ट सेम। ओके, सो नाउ आर यू रेडी फॉर द वर्कशीट रीडिंग? लेट्स स्टार्ट नाउ। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद आवर वर्कशीट रीडिंग, बापू का सपना। इस कविता में बापू किसे कहा गया है? वेरी इजी, इस कविता में बापू हमारे राष्ट्रपिता महात्मा जी को कहा गया है। दूसरा है, कवि बापू के सपने को क्या करने के लिए कह रहे हैं? कवि बापू के सपने को सच करने के लिए कह रहे हैं। जीवन किसके संग अच्छा होगा? जीवन किसके संग अच्छा होगा? जीवन स्वच्छता के संग अच्छा होगा। ये सारे हमें उत्तर इस कविता के आधार पर देने हैं। जीवन स्वच्छता के आधार पर अच्छा होगा। दीज ऑल आर वन लाइन आंसर्स। ओके, कवि बापू के किस सपने को सच करने के लिए कह रहे हैं? कवि बापू के स्वच्छ भारत के सपने को सच करने के लिए कह रहे हैं। ओके, सो नंबर 1, 2, 3 and 4 all are clear to you? Okay, now let's move further. सारे त्योहार किसके साथ अच्छे होंगे? Same answer. सारे त्योहार स्वच्छता के साथ अच्छे होंगे। हमें अपने तन मन को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं? हम अपने तन मन को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं? जब ही हमारे भाव, हमारे विचार अच्छे होंगे, तभी हम लोग अपने तन मन को स्वच्छ रख सकते हैं। यदि हमारे हाव भाव और विचार अच्छे नहीं होंगे, तो हम लोग उन्नति के पथ पर नहीं बढ़ सकेंगे। और जो हमारा सपना है कि भारत एक अच्छा देश हो, वह अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए हमें अपने तन मन को अपने भावों से स्वच्छ रख सकते हैं। यदि हमारे विचार अच्छे होंगे, तो हमारा तन मन आप ही स्वच्छ हो जाएगा। ओके, नदी सागर तालाब आदि को साफ सुथरा रखने से क्या होगा? अगर नदी तालाब सागर को साफ सुथरा रखेंगे, तो इससे क्या फायदा होगा बच्चों? जी हाँ, तो आप लिख सकते हैं, उनका पानी पीने योग्य होगा, क्योंकि वह स्वच्छ रहेगा। हम लोग उसमें गंदगी नहीं गिराएंगे, उसको अस्वच्छ नहीं करेंगे, तो उनका पानी हमारे पीने योग्य होगा और बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। जो तरह तरह के कीटाणु रहते हैं, रोगाणु रहते हैं, वह भी नहीं फैलेंगे। ठीक है, और हमारा भारत जो हमारे हमने देखा है स्वच्छ भारत का सपना, वह भी साकार होगा। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। आइए चलते हैं अभी व्याकरण की ओर। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर दोबारा वाक्य लिखिए। लिंग परिवर्तन करना है। कवि ने सुंदर सी कविता लिखी। कवित्री ने सुंदर सी कविता लिखी। अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। धोबी ने कपड़े धो दिए। धोबी
लिंग परिवर्तन करके यह वाक्य दोबारा लिखना है। तीसरा है कोष्ठक में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द से खाली जगह भरिए। गांधी जी ने स्वच्छता का डैश देखा था, इनका आपको शब्दार्थ सेम मीनिंग लिखना है, समान अर्थी शब्द आप क्या लिखेंगे, स्वप्न देखा था। हमारा भारत डैश सबसे स्वच्छ होगा, तो इनका क्या लिखना है, समानार्थी वतन की जगह पे देश। ओके, देश स्वदेश भी आप लिख सकते हैं। डैश और गगन स्वच्छ होनी चाहिए, हवा का समानार्थी पवन और गगन स्वच्छ होने चाहिए। लास्ट है स्वच्छता की डैश जीवन अच्छा होगा साथ, तो साथ का पर्यायवाची क्या होगा, संग। स्वच्छता के संग जीवन अच्छा होगा। ओके, तो ये थे आपके पर्यायवाची शब्द और ये थे आपके लिंग परिवर्तन और प्रश्न उत्तर फ्रॉम पोएम 9 बापू का सपना। ओके, एंड हियर वी फिनिश आवर सेम फर्स्ट कोर्स एंड देन आल्सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू क्लियर योर डाउट्स इन योर ऑनलाइन सेशन। ओके, तो बच्चों हंसते मुस्कुराते हुए नमस्कार।